हेलो फ्रेंड्स, आज हम BHU BEd स्पेशल साइंस के 2018 के सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो हैं सभी जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। इसमें दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए होता है जिसमें कि आपके होते हैं 30 क्वेश्चंस। ओके, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करेंट इसके क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी में जो होता है 70 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आपका हम साइंस अभी पकड़ रहे हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, कंप्यूटर और कुछ मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसको हम देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हर एक सही क्वेश्चंस के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1। ओके, यानी नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले एक विद्यार्थी के विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो 4 है, यानी शिक्षक। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ क्या है? ओके, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3rd, एक शिक्षक का कार्य करने की आवश्यक व्यवसाय वृत्ति की क्षमता है। नेक्स्ट है, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो, इसका आंसर सही हो गया, विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 4th क्वेश्चन है आपका, जिसका असंगठित परिवार का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 का 2, यानी स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन में। नेक्स्ट है, शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है तार्किक शक्ति और चिंतन शक्ति दोनों का विकास करना, तो इसलिए ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट है, एक अध्यापक केंद्रित प्रधान क्षेत्र में विद्यार्थी प्रायः बन जाते हैं, कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर है निष्क्रिय अधिगमकर्ता, पैसिव लर्नर। और नेक्स्ट है 7, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज लैंग्वेज, यानी कि अगर भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। नेक्स्ट है, मूल्यों को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो भावी नागरिकों में मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर होगा 2nd, निर्देशन और परामर्श द्वारा। नेक्स्ट है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसका आंसर है प्रश्नों के निर्माण पर। नेक्स्ट है, 10th क्वेश्चन आपका है, एक प्रभावी अध्यापक वह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जो विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि पीले को, ठीक है, यदि पीले को नीला, ठीक है, यानी येलो को ब्लू, ब्लू को रेड, ठीक है, और रेड को पिंक, पिंक को ब्लैक, ब्लैक को ऑरेंज, तो रक्त का रंग क्या होगा? तो रक्त का, यानी रक्त हमारा जो होता है वो रेड होता है, तो रेड को यहाँ पे पिंक कह रहा है, इसलिए आंसर पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बिग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा CLL। नेक्स्ट है, क्लॉक जो है टाइम बताती है, तो थर्मामीटर क्या बताएगा? टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 14, गन से बुलेट निकलती है तो चिमनी से धुआं। 15 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए, इनको सॉल्व करके आप आंसर कर सकते हो 15 का 3rd। नेक्स्ट है कि इसमें से सही विकल्प क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ आप देख रहे हो सबका स्क्वायर किया हुआ है, 5 तक है, यानी 6 का हो जाएगा 36। ओके, 17 क्वेश्चन है कि 46 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुणा का क्रम 12 है, तो अंतिम से उसका क्रम क्या होगा? ओके, तो इसका आंसर होगा 35। 18 क्वेश्चन है कि आपका यदि रमन श्याम के दक्षिण में है और मोहन श्याम के पूरब में है, तो रमन मोहन की अपेक्षा किस दिशा में है? ठीक है, इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ABCDE और F, सी जो है CF की बहन है, ठीक है, BE के पति का भाई है, DA का पिता है और F का दादा है, तो समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है, तो इसमें से हमको 2 क्वेश्चन का आंसर देने, 19 और 20, तो इसमें से माता कौन है?
तो माता ई है, और हु इज ई हस्बैंड, तो ई का पति कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महामना मदन मोहन मालवी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, यानी महामना मालवी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो 21 का आंसर है थर्ड, यानी कि 2016। शिकागो विख्यानों के 125वें वर्ष से कौन संबंधित है, ठीक है, तो 22वें का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, यानी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, ऑपरेशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, यहाँ पर इसका आंसर है टीकाकरण से। विच प्रोजेक्ट वॉज इज रिलेटेड टू कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, संगणक साक्षरता से कौन सी परियोजना संबंधित है, तो 24 का सेकेंड ऑप्शन है क्लास, यानी CLASS। नेक्स्ट है कि भारत में MHRD द्वारा हाल ही में कौन सा ऑनलाइन अधिगम पोर्टल शुरू किया गया है, इसका आंसर है स्वयं। NCT वॉज एस्टेब्लिश एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी इन इंडिया, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है कि भारत में एक संवैधानिक निकाय के रूप में NCT की स्थापना कब हुई, तो 26 का आंसर जो सही है 1993 में। ओके, 27वां क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है, तो 27 का सेकंड NAC, ठीक है। 28 PMMMNMTT वॉज लॉन्च इन, तो इसका आंसर है 28 का एक, दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, मदन मोहन मालवी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो 29 का आंसर है थर्ड, गोरखपुर में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे, इसका आंसर है सर सुंदर लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर GM और R क्रमशः गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी की संगति यानी मास, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पलायन गति का मान क्या होगा, तो पलायन गति का मान होगा √2gm/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैक्सवेल द्वारा किनको एकीकृत किया गया है, इसका आंसर है विद्युत एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन कि W भार वाले एक ठोस का घनत्व D है, यदि इस ठोस को रो घनत्व वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो उसका दिखावटी भार होगा, यानी जितना वो दिख रहा है, तो 33 का आंसर है 1। W' = W(1 - ρ/D), ठीक है। क्वेश्चन है, T1 तथा T2 तापक्रम के बीच चलने वाली कॉर्नट इंजन की दक्षता निम्नलिखित होगी, जहाँ T1 > T2, तो 37 का जो आंसर है वो है T1 - T2/T1। 38 क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग उत्सर्जित करने वाला स्रोत एक स्थिर प्रेक्षक से समान गति v से दूर जा रहा है, यदि तरंग की गति c v से अधिक हो और तरंग दैर्ध्य लैम्डा h हो, तो प्रेक्षक द्वारा मापन किया गया तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है, तो 38 का आंसर है सेकंड, λ = λ0 (1 - V/c). नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृष्णिका स्रोत से उत्सर्जित विकिरण निम्न प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाता है, तो 39 का आंसर है फर्स्ट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर सतत स्पेक्ट्रम। 40 क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोगात्मक सत्यापन निम्नलिखित द्वारा किया गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, इसका आंसर है RA Millikan। ओके, 41 है, फ्रॉनहोफर रेखाएं निम्नलिखित में देखी जाती हैं, 41 का आंसर होगा थर्ड, सोलर स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से निकले प्रकाश का रंग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, ठीक है, अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल यानी बैंड गैप ऑफ सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है, ठीक है, 43 का आंसर है फर्स्ट, आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज, मतलब सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता क्या है, तो 44 का आंसर है 2, भूमिका निष्पादन की प्रक्रिया। 45 क्वेश्चन है आपका, किरेटोमलेशिया डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, किरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है 46,
डेंटल फ्लोरोसिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू 46 का आंसर होगा फर्स्ट 3 to 5 ppm क्लोफ्लोरीन इन वाटर 47 मिनिमम ऑफ विच इज प्रेजेंटेड फ्रूट्स फ्रूट में सबसे कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है यानी प्रोटीन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच प्रोटीन इज फाउंड इन राइस राइस में कौन सी प्रोटीन मिलती है तो इसमें मिलती है आर्जिनिन असंतृप्त वसी अम्लों को संतृप्त वसी अम्लों में बदलने की क्रिया कहलाती है हाइड्रोजनीकरण नेक्स्ट है नायलॉन फैब्रिक इज मेड अप ऑफ विच प्रोसेस नायलॉन जो है वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है तो 50 का आंसर है सेकेंड रासायनिक विधि द्वारा 51 है इज अ प्लास्टिक फाइबर एक प्लास्टिक रेशा कौन सा है इसका आंसर है ऑर्लॉन नेक्स्ट क्वेश्चन FPU is to prevent. FPU किसकी रोकथाम के लिए है तो 52 का आंसर हो जाएगा मिलावट के लिए 53 रंगों के प्रयोग में क्या आवश्यक है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपात नेक्स्ट क्वेश्चन 54 अल्ट्रावायलेट विजुअल प्रकाश के प्रति फोटॉन के अवशोषण पर आधारित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है ठीक है तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका क्वांटम प्राप्ति नेक्स्ट है 55 यदि एस CaF2 की विलयता है तो विलयता उत्पाद KFC को व्यक्त किया जाएगा 55 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड KSP इज इक्वल टू 4S³ नेक्स्ट है पायसी कर्ता कार्य करता है 56 का आंसर होगा थर्ड यहाँ पे पायस को स्थायी करने के लिए ओके नेक्स्ट है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम द फेज रूल इज क्या होगा एक संगठन प्रणाली के लिए क्या होगा तो 57 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट F इज इक्वल टू 3-P नेक्स्ट है A प्लस H2SO4 गिव्स B ठीक है और जो कि बहुत ही गंध के साथ एक रंगहीन गैस है उसके बाद फिर B प्लस H2SO4 प्लस K2Cr2O7 के साथ देता है हरा विलयन ठीक है तो A और B क्या है तो यहाँ पे 58 का आंसर हो जाएगा SO3 2- और SO2 59 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है ठीक है तो 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड BF3 नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक अमोनियम AgNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है तो 60 का आंसर है 4 C2H4 बेंजीन को टॉलुइन में परिवर्तित किया जाता है 61 का आंसर है थर्ड फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा नेक्स्ट है 62 निम्न में से किस अभिकर्मक का प्रयोग क्लोरोबेंजीन को बेंजीन क्लोराइड से अलग करने के लिए किया जाता है ठीक है तो 62 का आंसर हो जाएगा अल्कोहलिक AgNO3 नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज OO लिंकेज 63 का आंसर हो जाएगा आपका H2S2O8 ठीक है 64 क्वेश्चन ठीक है कि NiCl4-2- और NiCN4-2- दोनों प्रतिचुंबकीय है इन संकरों में Ni का संकरण क्रमशः क्या होगा तो 64 का आंसर है sp3 और dsp2 नेक्स्ट है जिसके केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरित कक्षिकी का उपयोग बंध बनाने में होता है ठीक है 65 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट 66 कोशिकाओं में ऊर्जा भवन है माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एनेलिडा का जंतु तो वो है नेरिस नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ में सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा ठीक है 69 यहाँ पर है अमीबिक डिसेंट्रीज कॉज्ड बाय तो ये हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोती किससे बनता है तो इसका आंसर है ओएस्टर से ठीक है नेक्स्ट है पाइप फिश इज द कॉमन नेम पाइप मछली किसका नाम है कॉमन तो 71 का आंसर है सिग्नेथस नियोटेनी रिफर्स टू 72 का सेकंड है कि नियोटेनी से मतलब है वयस्कों में लार्वा का गुण होना ठीक है हार्ट क्रोकोडाइल में ठीक है यानी मगरमच्छ में जो हार्ट होता है वो अपूर्ण चाप प्रकोष्ठ का होता है नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन से पक्षी के आँखों की विशेषता है तो 74 का आंसर है पेक्टिन नेक्स्ट है 75
रदनक दंत की अनुपस्थिति कारण होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसे डायस्टेमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? 76 का थर्ड आंसर डिम्ब वाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। 77, भारतीय गेंडे किस राष्ट्रीय पार्क में संरक्षित किए गए हैं? तो 77 का सेकंड है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है हैप्लॉयड इंडोस्पर्म यानी अगुणित भ्रूणपोष कहाँ पाया जाता है? तो 78 का 2 अनावृत बीजी में, ठीक है। 79 है कि फाइकोबिली प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ, किस सदस्य में पाया जाता है फाइकोबिलिन प्रोटीन? तो 79 का 2 साइनोफाइटा। ओके, नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो है एस्कोमाइकोटिना में निम्न में से कौन सा फल जो फलंदर मुख में नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइकोटिना इज लैकिंग इन ओपनिंग, जो कि खुलता नहीं है। तो 80 का 4 है क्लिस्टोथीसियम। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरियम के पौधे के साथ सहजीवन बनाता है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, वह पौधा है एजोला, ठीक है। 81 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 82, पुष्पवृंत एक डंठल है, तो पूरे पुष्पण का। 83 क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स में रंभ के बिना मज्जा जो है जाना जाता है प्रोटोस्टेट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो है 87 सेकंड ऑक्सीजन पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में विकसित होता है, तो 87 का आंसर हो जाएगा प्रकाश पद्धति सेकंड में। नेक्स्ट है पौधों को पुष्पण हेतु आवश्यक दिन की लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसके अनुसार गणना है। 88 का आंसर हो जाएगा सेकंड, छोटा दिन का पौधा। 89 है नलिसोमिक एनोप्लॉयड को निरूपित किया जाता है, 89 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि 2n-2। ऑपरेटर एंड निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो 90 का आंसर है थर्ड, लॉजिकल। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ जो है प्रोग्राम का दिया गया आउटपुट क्या होगा, तो इसका आंसर है 91 का 28-15-43। 92 है कि के मैप तकनीक निम्नलिखित में से किसे सरल करने का व्यवस्थित तरीका है, तो 92 का आंसर होगा थर्ड, जो होगा बुलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद है 93, यदि एक लॉजिक गेट 4 इनपुट है तो संभव इनपुट संयोजकों की कुल संख्या क्या होगी? 93 का आंसर है आपका 4, यानी कि 16। नेक्स्ट है हमें 128x8 रैम चिप का प्रयोग करते हुए एक 2048 बाइट क्षमता की मेमोरी बनानी है, मेमोरी में रैम चिप का चयन करने के लिए डिकोडर का साइज क्या होगा? तो उसका आंसर है 4x16। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन एक मेन मेमोरी है? तो 95 का आंसर है थर्ड, कैश मेमोरी। 96, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रायः अर्धचालक से निर्मित की जाती है? तो ये होगी रैम। 97 लैग्रांजे सूत्र का प्रयोग करते हुए x का मान निकालिए यदि y बराबर 13.5 हो, तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट 98.14। नेक्स्ट है 7 cos θ + 24 sin θ का न्यूनतम और अधिकतम मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 98 का आंसर है 4 - 25 + 25। 99 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सबसे अधिक एक्यूरेट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका 4, गॉस क्वाड्रेटर के सूत्र, ठीक है। 100 क्वेश्चन है यदि x और y दो रियल वेरिएबल है, x इज ग्रेटर देन 0 और xy इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर तब x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 1 होगा। तो ये रहा हमारा 2018 का साइंस का पेपर, ठीक है, BHU BEd का, और हम आगे भी और ऐसे ही जो है आपके लिए सेट ले आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे।